देखिए हमने टायर पे भी थोड़ी कलाकारी करी है, मिशलिन वगैरह लिखा हुआ है। ब्रेक कैलिपर्स है ना, वो भी हमने रेड करवा दी, जिससे कि ना लुक बहुत प्यारी आ रही है। नहीं, बाइक की बात करी जाए तो ये देखिए थोड़ी जेड से कम है, और भाई यहाँ पे भीड़ लग गई है पूरी लिटरली। ये देखो सारे लोग आके ऐसे खड़े हो गए हैं, बिल्कुल रैप इनका बिल्कुल सेम है। भाई इधर आ जाइए भाई, प्रॉपर AMG। और कितने पैसे लग गए मेरी गाड़ी के ऊपर से, वो 125,000 रुपए रैप के मांग रहे थे। देखो, ओ शिट मैन, येलो करवानी तो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इसको येलो करवाऊंगा। मैं उससे जबरदस्ती करी थी, आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, 1 वीक व्लॉग्स नहीं आएंगे। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज HSB, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस, आफ्टर सो लॉन्ग हाँ, मैं आज अपनी मर्सिडीज पे रैप कराने के बाद ना आज निकाली, और देख लो बाहर बारिश हो रही है, देख रहे हो बाहर गाइस बारिश हो रही है पूरी तरह, और फिर भी निकाली क्योंकि यार आप देख रहे हो कि व्लॉग्स नहीं आ पा रहे। बट यार वर्क तो करना ही है, हमने व्लॉग्स तो डालने ही आपके लिए। दिस वीक तो भाई पूरा बारिश पड़ने वाली है, और ये हालत देख रहे हो रोड्स की, चेक करो गाइस रोड्स की हालत देखो। गाइस मैं एक्चुअली ना आज किसी वर्क से जा रहा था, नाला तो भाई ये देखो क्या हालत हुई पड़ी है, बारिश की वजह से ना कोई भी ना मतलब काम नहीं हो पा रहा, गाड़ी पूरी गंदी हो जाएगी। बट मैं ना एक्चुअली किसी काम से जा रहा था आज, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना एक व्लॉग भी कर लेंगे और आपको ना गाड़ी की ओवरऑल लुक दिखा देंगे। बट ये नहीं पता था कि इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी कि मुझसे निकला भी नहीं जाएगा। आपको दिखाता हूँ, ये देखो वाइपर बंद करके, ये गाइस चेक करो, अभी देखना कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, दिख रहा है गाइस बिल्कुल भी कुछ नहीं नजर आ रहा। ये देखो गाइस कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अब मैं वाइपर चलाऊंगा, अभी देखना कैसे साफ हो जाएगा। ये देख अब नजर आ रहा है, देख रहे हो बारिश हो रही है बहुत ही ज्यादा। मैंने एक्चुअली गाड़ी के ऊपर ना फुल डिटेल वीडियो बनानी थी, जब से मैं रैप करवाया था टेल वीडियो बनाएंगे, आपको प्रॉपर बताएंगे मैंने कौन सा रैप करवाया और कितने पैसे लग गए मेरी गाड़ी के ऊपर और कौन सी चीजें इंस्टॉल कराई है मैंने। ये वाली चीज मैंने शूट कर ली थी थोड़ी बहुत, बट उस दिन ना पूरा शूट हो नहीं पाया, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे निकलना पड़ा था, वो मैं क्लिप लगा दूंगा यहाँ पे। चलो आप पहले ना क्लिप देख के आओ। वो तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर देखिए हमने टायर्स पे भी थोड़ी कलाकारी करी है, मिशलिन वगैरह लिखा हुआ है। ब्रेक कैलिपर्स है ना, वो भी हमने रेड करवा दी, जिससे कि ना लुक बहुत प्यारी आ रही है। एक बारी मैं ना अपने नजरिए से दिखा देता हूँ, भाई मोबाइल दिखाना है एक बारी। सो गाइस ये चेक करो, ये कुछ है अपनी मर्सिडीज की लुक, जिसके अंदर भाई चेंजेस देखो कितने ज्यादा हो गए हैं कि पहचान में नहीं आ रही। और गाड़ी मैंने ब्लैक करवा दी है क्योंकि ना इसके ना डोर जो वाइजर होते हैं ना वो नहीं मिल रहा, तो मैंने ना पूरी जेड नहीं करवाई, ये थोड़ी जेड से कम है। और भाई यहाँ पे भीड़ लग गई है पूरी लिटरली, ये देखो सारे लोग आके ऐसे खड़े हो गए हैं, भाई वो देखो काम धंधे वाले अंकल सारे इधर खड़े हुए हैं। ये पीछे से कुछ ऐसी है इसकी लुक, भाई प्रॉपर AMG एयर की वजह से लुक कितनी प्यारी आ रही है। अलॉय भी बिल्कुल ओके हो गया, ब्लैक हो गए हैं, रूफ तो आपको पता है इसमें आता ही है। ये है भाई कुछ लुक, और अपनी बाइक की बात करी जाए तो ये देखिए बाइक, भाई कौन सी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, बाइक या फिर गाड़ी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए एक बारी, मुझे दोनों चीज़ों के बारे में बताइए, ये चेक करिए एक बारी। और एक्चुअली ना वो लाइट के ऊपर फॉग आ रही है क्योंकि ना एक्चुअली मैंने वॉशिंग करवाई थी, कोई भी गाड़ी में हो सकता है, तो इसलिए वो ना फॉग सी आ रही है लाइट के ऊपर। ये लगे हुए डोर गार्ड जो कि यार मोमो, ये देखो भाई ये कार्बन फाइबर है, बहुत मुश्किल से मिले थे भाई इसके मोनोग्राम ना, मुझे पता कि मैंने कितने मुश्किल से लिए। ये हो गए AMG हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने टोटली चेंज करवा दी हैं। और गाइस आगे आ जाइए एक बारी, और बाइक के बारे में भी पूरी डिटेल देंगे, बाइक और ये बिल्कुल रैप इनका बिल्कुल सेम है। भाई इधर आ जाइए एक बारी, आप इधर आ जाइए। जब से मैंने न्यू बाइक ली है वो मैं चला भी नहीं रहा, रखी हुई है बस, कहानी क्या है मेरे भाई रुक जाए, देखो यार कितने गलत आते हैं, देख रहे हो गाड़ी चल रही है कि 2 मिनट रुक जाए, ग्रीन लाइट हुई बढ़िया, ये चेक करो। बट बारिश ने इतना परेशान करा हुआ बाइक चलाने का, मतलब कि आज मेरा इतना मन कर रहा था ना बाइक निकालने का, मैंने कहा आज मैं बाइक निकालूं और जाके राइड करके आऊं, कल भी बहुत मन कर रहा था बट उसके लेके नहीं जा पा रहा कहीं पे भी। ये देखो भाई इनके रिएक्शन देखो एक बार, खोलना ये देखो गाइस रिएक्शन देख रहे हो, मतलब कोई भी निकलता ना रिएक्शन बहुत बढ़िया आता है। एक बारी ना रंधावा साहब को फोन पकड़, और ये हमारा शूट करने के लिए। और गाइस मैं बता देता हूँ कि मैंने प्रॉपर ना इस पे वीडियो बनानी थी बट बना नहीं पा रहा बारिश की वजह से, और गाड़ी की मैंने ना मतलब कि 2-3 चीज़ें मैंने इतनी बढ़िया सोची थी ना करने के लिए, बट मैं गाड़ी निकालता नहीं हूँ बारिश में क्योंकि यार गाड़ी की ना ऐसी की तैसी होती, बाइक तो मैं छू भी नहीं सकता, मतलब बाइक तो मैं निकाल ही नहीं रहा बिल्कुल, रेड लाइट हुई पड़ी है ना। बैक टू बैक वीडियो आएंगे बस थोड़ा सा ना बारिश का ठीक हो जाए। एक्चुअली सितंबर मेरे लिए बहुत बिजी रहा है, तो पहले भाई का आ गया रंधावा साहब का, फिर उसके बाद मेरा बर्थडे आ गया, सितंबर तो पूरा बिजी रहा है और बर्थडे वगैरह में। और मैंने शूट ना अभी मैंने करा था, थोड़ा बहुत शूट करा था बर्थडे का, वो भी मैं कोशिश करूंगा डाल दूंगा। आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, 1 वीक के लिए जा रहा हूँ, तो शायद 1 वीक व्लॉग्स नहीं आएंगे, 1 वीक के बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक्चुअली थोड़ा बहुत काम है, क्योंकि यार व्लॉगिंग के साथ साथ ना और भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है हमें। और तेज़ हो गई है बारिश, ये देखो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, मतलब बड़ी जा रही है, मुझे लगा कम होगी कि गाड़ी। गाइस मुझे ना एक्चुअली गाड़ी दिखानी थी आपको कि गाड़ी हमने क्या क्या वर्क करवाया और रैप क्या क्या हुआ है।
यहाँ पे ना हम एक बार कोशिश करेंगे मेट्रो स्टेशन के ना नीचे लगा लेंगे गाड़ी, फिर आपको मैं दिखा दूंगा इसकी ओवरऑल लुक। हेलो गाइस, हमने यहाँ से ले लिया राइट, और यार मेरी ना गाड़ी में ना एक्चुअली लाइट ऑन नहीं थी, अभी अभी लाइट ऑन करी है। और बता देता हूँ, इसका ना लेफ्ट वाला ना टायर पंचर हो गया था, और वो टायर पंचर की वजह से ना इसमें ना सारी चीजें ना मतलब मैसेजेस आ जाते हैं कि गाड़ी में कोई भी दिक्कत होगी ना तो मैसेजेस आपको दिखाता हूँ। ये देखो, हम ना क्लिक करेंगे, हम इसके बाद चले जाएंगे आगे सर्विस पे। ये देखो ऊपर ना टू मैसेजेस आ गए हैं, चेक करो। ओह माय गॉड भाई, गाड़ी हमें इधर ही चलानी पड़ेगी, गाड़ी ना पूरी धुल जाएगी अच्छे से। नहीं तो खींच के देखते हैं थोड़ी सी। ये देखो ये पानी के नीचे घूम रहे हैं। ये देखो पहले ना लेफ्ट में गाड़ी लगा लेते हैं कि आपको ना एक बारी रिएक्शंस दिखा देते हैं लोगों के, साथ में गाड़ी भी साइड लगा देते हैं। ये हमने गाड़ी लगा दी साइड, इधर लगा देते हैं गाड़ी। देखो दो मैसेजेस आ रहे हैं इसके गाड़ी के बीच में से, अब ये क्या प्रॉब्लम है। ये देखो ओके करूंगा, अब देखो मेरे जो राइट वाला प्रोजेक्टर है ना उसकी लाइट बंद हो चुकी है, मतलब प्रोजेक्टर नहीं चल रहा राइट साइड वाला, लिखा आ गया है। देखो राइट डे लाइट ड्राइविंग लैंप वो नहीं चल रहा, और उसके बाद भाई क्या दिक्कत आई है गाड़ी के अंदर वो भी चीज़ दिखा रहा हूँ। सेकंड किस चीज़ का दिखा रहा है ये, ओके ये देखो। उसके बाद फ्रंट राइट पार्किंग लैंप, कोई भी चीज़ गाड़ी में होगी ना उसका मैसेज आया था। और उसके बाद टायर प्रेशर देखो, मैंने इसका पंचर लगवा लिया था, बिल्कुल ओके हो गया 285। और ये देखो मैं ना रात को पंचर लगवाया था, मैं वो भी क्लिप है वो भी लगा दूंगा एक बारी। देख लो भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये चेक करो भाई गाड़ी क्या लग रही है। गाड़ी देखो अलग ही लग रही है, देखोगे ना रोड के ऊपर अलग ही चमक रही है। अंकल की तो अभी निगाह नहीं हट रही थी, अलग ही चमक रही है। बाकी यार गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है रहे हो? गड्डी बहुत बढ़िया, गड्डी बढ़िया लग रही है। केड़ी गड्डी अंकल जी, पता है? नहीं नाम नहीं पता, नाम नहीं पता। वह बढ़िया लग रही है, बहुत शानदार। चलो हाँ भाई, पंजाब होशियारपुर तो मैं भी होशियारपुर तो। अच्छा अच्छा, मेरी मासी रहती है होशियारपुर। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। और तो बढ़िया जी, ओके जी ओके। गाइस अभी देखो गाड़ी की हम वीडियो बना रहे थे यहाँ पे, और अंकल जी के रिएक्शन, अंकल कहते हैं गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है। वो देखो वो भी बाय बाय कर रहा है, गाड़ी भाई बहुत बढ़िया लग रही है। थैंक यू बोल रहा है, इंग्लिश आती है तुम्हें है? अच्छा गाड़ी कैसी लग रही है? थैंक यू। ये चेक करिए पीछे इसके लगा हुआ है AMG, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं CLA 45, ये भी मैंने लग से लगवाया था, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। गाड़ी के अंदर ना ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी मॉडिफिकेशन करवाई थी, ये चेक करिए। और रंधावा साहब को तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं भाई यार गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है। ये देखो भाई रिएक्शन ही रिएक्शन आ रहे हैं, वो देखो रिएक्शन देखो इनके। सो गाइस इधर रिएक्शन देखो इनके एक बारी, ये देखो भाई गाड़ी को देखो कैसे देख रहे हैं, चेक कर रहे हो रिएक्शन कितने ही बढ़िया आ रहे हैं। पुलिस वाले तक देख रहे हैं भाई गाड़ी को ना, पहले वाले क्लिप भी जोड़ दूंगा यहाँ पे, जो मैंने गाड़ी के AMG और पीछे जो जो चीजें मोनोग्राम लगे। और मैं बता देता हूँ गाइस, जो इसमें मोनोग्राम लगे हैं ना इतने की एक सेकंड हैंड स्कूटी आ जाएगी, इतने एक्सपेंसिव है यार, मोनोग्राम तो मिलते ही नहीं। हमने कंपनी से लिए, और पालिका प्लेस पड़ता है जो कि है हयात होटल के पीछे जहाँ पे गाड़ियों की मार्केट है, वहां से भी भाई कुछ लिए गाइस। बट मैं बता देता हूँ कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है यार। इसका रैप कितने का हुआ है तो गाइस मैं बता देता हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम किसी और से रैप करवा रहा था तो मुझसे वो 1.25 लाख रुपए रैप के मांग रहे थे, जो कि बहुत बढ़िया ए क्लास रैप होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि तुम्हारी गाड़ी का ना पेंट नहीं उतरता। इसके अंदर ये चीज होती है क्योंकि रैप बहुत तरह कहते हैं, जैसे आप देखते हो कि लोग बाइक्स पे कराते हैं, स्प्लेंडर पे या पल्सर पे या कोई भी गाड़ी, वो ना जैसे शूज होते हैं ना कि एक ओरिजिनल फिर फर्स्ट कॉपी फिर सेकंड कॉपी, ऐसे ही ये रैपिंग भी होती है कि बहुत तरह के आते हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी आते हैं और बहुत बेकार भी आते हैं, डुप्लीकेट्स भी आते हैं। डुप्लीकेट क्या करते हैं गाइस, 2-3 महीने आप गाड़ी के साथ लगाओगे, धूप में गाड़ी खड़ी रहेगी, ये सब चीजें, तो जब आप रैप उतारोगे तो तुम्हारा नीचे वाला पेंट को वो डैमेज कर देगा। तो ये चीजों का सोचना अब यार, आपको बताया आपके भाई के पास मर्सिडीज है, बढ़िया ही रैप करवाया जो कि बहुत बढ़िया हुआ है। और गाइस आप भी करवा सकते हो, आपको पता ही है मैंने जहां से रैप करवाया था ये रैपिंग हुई पड़ी है ना, आपके भाई ने ए क्लास करवाई की, कल को मैं इसको उतार दूंगा ना जब मेरा मन भर जाएगा, नीचे से व्हाइट दूध की तरह निकल आएगी। और यार मैं बताऊं, गाड़ी मैंने रैप करवाने से पहले ना मैंने अपनी पूरी गाड़ी सेरामिक कोटिंग मैंने करवाई थी गाड़ी, क्योंकि मेरी गाड़ी पे ना थोड़े थोड़े से ब्लूसीज आ गए थे, तो इसलिए मैंने पूरी की पूरी पहले इसको सेरामिक कोटिंग कराई, उसके बाद रैप करवाया था कि मेरी गाड़ी भाई, गाड़ियों से प्यार है आपके भाई को है ना। चलो गाइस अब आगे चलते हैं, यहाँ पे यार काफी ट्रैफिक है यार, बारिश के चक्कर में ना बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है, और यार जिस मैंने काम से जाना है वहां भी निकलते हैं। रैप का ऐसा सीन है कि गाइस आप जैसे नॉर्मली रैप करवाते हो तो 60-70 हज़ार रुपये से कम, मर्सिडीज थोड़ी सी बड़ी है तो इसलिए इसके ऊपर भी मतलब मेरा मिनिमम चार्ज 50 हज़ार रुपये वो, और उसके बाद यार मोनोग्राम वगैरह 10-20 हज़ार रुपये उस पर, तो मतलब काफ़ी पैसे लगे। और टायर पे वर्क करवाया क्योंकि ना एक्चुअली मैंने ना येलो रैप करवाना नहीं था, मुझे आपको पता व्हाइट गाड़ी पसंद थी, व्हाइट के चक्कर में मैंने रुक के गाड़ी ली थी कि मुझे व्हाइट ही चाहिए थी, हायाबूसा वाला सीन था बिल्कुल।
और ये देखो भाई साहब यहाँ पे स्टोरियां बनाने में लगे हुए हैं। इसी चक्कर में मैंने न्यू वर्जन हायाबुसा नहीं ली थी, और न्यू वर्जन हायाबुसा जो ऑनर थे ना सुजुकी के, वो दे रहे थे, कहते कि आप मेरी वाली ब्लैक ले लो और आपको पूरे उतने की 18-18.5 वो जितने बता रहे थे कि उतने की आपको मिल जाएगी 18.5 लाख रुपए की, आप वो ले लो। बट मैंने ली नहीं थी क्योंकि एक तो यार ऑनर फर्स्ट ना होता, उनके नाम पे मुझे गाड़ी चलानी पड़ती। उन्होंने ये बोल दिया था कि तुम अपने नाम ना करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे नाम पे ही गाड़ी चला लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकंड ऑनर ना करवाना। बट फादर मेरे माने नहीं, फादर कहते कि हम इतने पैसे खर्च रहे हैं तो आप ही फर्स्ट ऑनर होने चाहिए, तभी फायदा। और ये देखो गाइस इनके रिएक्शन देखो यार कितने बढ़िया आ रहे हैं। देखो गाइस ये देखो तालाब बना हुआ पूरा, ये टायर का क्या हाल हो रहा है कि बहुत ज्यादा बारिश हुई, बट येलो करवानी तो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इसको येलो करवाऊंगा। बस वो भाई जिससे मैंने अपनी बाइक रैप करवाई थी कि पाजी येलो करवा दो गाड़ी बहुत बढ़िया लगेगी, मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने सोचा था रेड करवा दूंगा, कहता नहीं भैया आप येलो ही करवाओ। तो मुझे उन्होंने फोटो दिखाई किसी मर्सिडीज की, वो फॉरम की फोटो थी, मतलब वो कस्टम वालों ने करी थी, येलो कलर की मर्सिडीज और ब्लैक अलॉय इतने बढ़िया लगे मुझे। मैंने कहा भैया कर दो, मैंने रात को बोला उनको 11 बजे, मैंने कहा कर दो, दिल्ली में मर्सिडीज नहीं है येलो। और भाई वही बात हुई, ऐसी गाड़ी निकल के आ गई ना, जो बंदा है ना भाई तारीफ कर रहा है। अपने यूट्यूबर भाई भी, उनका भी फोन आया, भाई ने ना अभी अभी थार ली है, कहते कि पाजी मेरा भी मन कर रहा है कि मैं ना मर्सिडीज लेके आपके जैसी करवा दूं। तो मतलब कि ना उनको भी बहुत बढ़िया लगी, स्पोर्ट्स कार होती है ना, मतलब मस्टैंग हो गई, क्योंकि यार आपके भाई को ना मस्टैंग बहुत अच्छी लगती है, और येलो कलर में तो सीरियसली क्या लगती है येलो कलर की मस्टैंग, बहुत ही प्यारी। भाई देखो सामने रिएक्शन दिखाओ, एक बार लेफ्ट साइड पर रिएक्शन दिखाओ गाइस, ये देखो रिएक्शन देख रहे हो, सारी दुनिया देख रही है गाड़ी। ये देखो भाई जहाँ जा रहा हूँ ना मैं, इतने बढ़िया बढ़िया रिएक्शन आ रहे हैं। और गाइस मैं बता देता हूँ, आपका भाई ना बहुत जल्दी इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो लेके आएगा, थोड़ी बारिश कम हो जाए। मैंने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सोचा है जो मैंने शूट करना है, तो हम इसको लेके चलेंगे, गाड़ी के प्रॉपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। क्या होती है ना 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर गाड़ियाँ होती हैं, वैसी गाड़ी में ये आ रही है गाड़ी, बस इसमें एक एग्जॉस्ट की कमी है, आपका भाई वो भी डाल देगा। भाई गाड़ी ए क्लास लग रही है। और गाइस अब इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू।